यह बात काफी दिनों से कही जा रही है कि कोरोना वायरस को चीन ने बनाया है। अमेरिका तो इस बात को शुरू से ही कह रहा है, लेकिन अब सच सामने आ गया है। कोरोना वायरस को चीन ने ही बनाया है। चीन इस वायरस को बनाने की तैयारी 2015 से कर रहा था। चीनी वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लिखित एक दस्तावेज सामने आया है। इसमें कहा गया है कि चीनी वैज्ञानिक 2015 में कोरोना वायरस को जेनेटिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर चर्चा कर रहे थे। चीन की लैब में कोरोना वायरस को विकसित किए जाने के तमाम दावों के बीच आए इस दस्तावेज ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी जांचकर्ताओं के हाथ लगे दस्तावेज के आधार पर दावा किया गया है कि चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है और उनके वैज्ञानिक 5 साल से बायोलॉजिकल और जेनेटिक हथियारों बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस हैरान कर देने वाले दस्तावेज में कहा गया है कि युद्ध में जीत के लिए ये मुख्य हथियार होंगे। इस पर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने एक रिसर्च रिपोर्ट छापी है। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट से निकले निष्कर्ष से दुनिया हैरान है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की इस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता। पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कोरोना को चीनी वायरस कहा था। ट्रंप ने उस समय यहां तक कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास इसके सबूत हैं और वक्त आने पर ये दुनिया के सामने रखे जाएंगे। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर पूरी दुनिया की उंगली चीन की ओर उठा दी है। पहले की तरह इस बार भी इस रिपोर्ट पर चीन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इस रिपोर्ट की माने तो चीन ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है।